सरकारें हैं ऐसी कि किसानों को चक्कर पे चक्कर कटवाने के लिए खुद ही मजबूर कर रही हैं और निर्देश और आदेश ऐसे जारी करते हैं कि किसान इधर से उधर चक्कर लगाए और छोटे छोटे काम के लिए जयपुर तक उसकी स्वीकृति के लिए उसका आवेदन पत्र संबंधित विभाग के स्तर से जाए। ऐसा ही उदाहरण एक सिंचाई विभाग का आपको हम बताने वाले हैं कि मोगों को लेकर जो स्वीकृति जारी होती है वह राज्य सरकार के स्तर से जारी होने लग गई है। कभी जमाना था कि अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग इन मोगों को स्वीकृत करता था, अगर कोई विवाद है तो उसको सुलटाने के लिए भी अधीक्षण अभियंता ही जो है वहाँ पर पावरफुल था, लेकिन अब नए आदेश के तहत मोगों को दुरुस्त करवाना और उनको स्थायी स्थान पर लगवाने के लिए स्वीकृति का प्रस्ताव जयपुर सिंचाई विभाग तक जाता है, फिर वहां से स्वीकृति महीनों बाद आती है, तब किसानों को अपनी समस्या हल करने के लिए राहत देने का काम सिंचाई विभाग के द्वारा किया जाता है। आइए आपको सुनाते हैं एक मामला जो कि विधायक संगरिया गुरदीप शाहपिनी लेकर आए हैं, उनका इस संबंध में क्या कहना है सुनिए जरा। आज खारा खड़ा पंचायत के अंदर सात के एच आर मोगा है, वो बहुत कच्चा खड़ा चल रहा है मोगा। पुराने टाइम के अंदर व्यवस्था के हिसाब से, जैसे उस टाइम ज़्यादा टाइट कमांड एरिया था, उस हिसाब से पहले पुराना खड़ा निकाला था। अब कुछ काश्तकार होंगे अखीर के अंदर पानी नहीं लगता, तो वो पक्का खड़ा बनाना चाहते हैं। पक्का खड़ा बना सिंह भी जहाँ पे चक प्लान मंजूर है वहाँ पे तो मोगा नहीं लगा हुआ, मोगा लगा हुआ पीछे लगा हुआ है। तो हम आज एक्शन साहब के पास ही है, जहाँ इनका चक प्लान के अंदर खड़ा और मोगा मंजूर है वहीं पे इसका इनका मोगा शिफ्ट करो, तो वही अभी एप्लीकेशन देंगे। सभी कास्कर आए हुए हैं सात के चार के, और यहाँ से केस तैयार करके जयपुर जाएगा, जयपुर से ये करवा के जाएंगे। खाड़ों के काफ़ी हैं, खाड़ों के पहले व्यवस्था के हिसाब से जैसे पुरानी ज़मीन थी टिब्बे से, उस टाइम पानी निकालने के लिए कुछ यहाँ से उस टाइम पानी की व्यवस्था होती कर ली थी। कई जगह कुतरे खड़े भी हैं, मरबे पे नहीं हैं। अब जैसे पक्के खड़े आ रहे हैं जहाँ मंजूर करवा रहे हैं लोग, तो चक प्लानों के अंदर तो जहाँ चक प्लान मंजूर है वहाँ पर दिक्कतें तो आ ही रही हैं, काफ़ी आ रही हैं। विधायक गुरदीप शाहपिनी का कहना है कि चक प्लान के अनुसार पुराने समय से कई मोगे नहीं लगे हैं, उनको अब वर्तमान समय में चक प्लान के अनुसार लगवाया जाना है, लेकिन सरकार के स्तर से इसकी स्वीकृति आएगी। जब कलम न्यूज के द्वारा अधिशासी अभियंता सेकंड हनुमानगढ़ से बातचीत की गई और नियम के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया, तो आइए सुनाते हैं उनका क्या जवाब है। ये मोगा 7K4 खराखेड़ा के नाम से है, इसमें अब CAD द्वारा या पंचायतों द्वारा कोई खड़ा पक्का बनाने का प्रोविज़न लिया हुआ है, तो उसमें समस्या ये आ रही है कि जो हमारे चक प्लान के अंदर स्वीकृत खाला है उसके अनुसार वो मोगा स्थापित नहीं है, मोगा कहीं और है और चक प्लान के अंदर मोगा कहीं और दर्शाया हुआ है। अब समस्या ये आ रही है कि वो खाला बनाया कहाँ जाए, चक प्लान के अनुसार बनाते हैं तो वहाँ पर मोगा लगा हुआ नहीं है, और जहाँ मोगा लगा हुआ है वहाँ से काश्तकार जो है अपनी ज़मीन में से खाला बनने देने के लिए तैयार नहीं है। तो आज विधायक जी आए स्पेशल इस काम के लिए, तो उनको बताया ये समस्या है, जब तक जमींदार आपस में सहमति नहीं देंगे खाला बनाने की तो हम उसको स्वीकृत नहीं कर सकते, और जब तक स्वीकृत नहीं होगा तब तक खाला नहीं बन सकता। तो फिर बोला जी राय दो आप क्या करें, और है तो उनको ये बताया कि आप एक एप्लीकेशन लगाओ कि जहाँ मूल में चक प्लान के अनुसार जहाँ हमारा मोगा लगा हुआ है वहाँ पर उसको स्थापित कर दिया जाए। तो वो आज एप्लीकेशन लिख के दे के जा रहे हैं, तो वो जो प्रकरण तैयार करके हम जो है प्रॉपर चैनल जो है राज्य सरकार के पास भेजेंगे, और राज्य सरकार से स्वीकृति आने के बाद ही ये कार्य संभव हो पाएगा। नहीं, पूर्व में तो ये संबंधित अधीक्षण अभियंता के पास था, अब मेरे को टाइम तो दिया नहीं है पूरा कब से ये जो पावर है ये राज्य सरकार के पास चली गई, अब राज्य सरकार की अनुमति के बगैर जो है ये कार्रवाई नहीं कर सकते। सभी प्रकार की जानकारी लेने पर यही पता लगता है कि सिंचाई विभाग के छोटे मोटे काम के लिए भी स्वीकृतियाँ अब जयपुर से जारी होने लगी हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है, समय उनका बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को इस ओर सोचना चाहिए। और जो अधीक्षण अभियंता के स्तर से पुराने समय से स्वीकृतियाँ सिंचाई विभाग के स्थानीय कार्यालय से
जारी होती थी उसी व्यवस्था को लागू करवाना चाहिए ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जा सके। हम तो यही कहेंगे कि पक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को मिलजुल कर विधायकों को इस मामले को विधानसभा में उठाकर इस नियम में संशोधन करवाना चाहिए। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।